कच्चे आम का सीजन चल रहा है और गुड़ाम ना बने ऐसा कैसे हो सकता है। हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड़ाम की रेसिपी। इसे खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, कुछ लोग इसे रोटी के साथ भी खाते हैं। और परफेक्ट तरीके से ये कैसे बनता है तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई कुकिंग विद एपीएस। मैं हूँ आयशा। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए इस चटाखेदार गुड़ाम को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है कच्चा आम, ये 500 ग्राम है। इसे पानी में डालकर हमने 2 घंटे के लिए रख दिया था ताकि इसके अंदर की गर्मी निकल जाए। उसके बाद इसके छिलके को उतार लेना है। बाजार में बहुत तरह के आम मिलते हैं, लेकिन जो आम से हम अचार लगाते हैं उसी आम से हम गुड़ाम बनाते हैं। उसमें गूदा ज़्यादा होता है, इसलिए उसका गुड़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। कुछ आम ऐसे भी बाजार में मिलते हैं जिसकी गुठलियाँ बहुत बड़ी होती है और गूदा बहुत कम निकलता है। इससे अचार भी सही नहीं बनता और गुड़ाम भी सही नहीं बनता। तो हमें आम को बहुत अच्छे से देख कर लेना है। अब हमने आपको आम बता दिया कि कैसा खरीदना है, तो यहाँ पर सभी आमों को हमने छील लिया है। अब इसके बाद इसे कटिंग करेंगे। ये आम तो बहुत आसानी से कट गया क्योंकि इसमें जो गुठलियाँ हैं बहुत नाजुक है, मगर कुछ गुठलियाँ इतनी हार्ड होती है कि छुरी से कट नहीं पाता है। तो इसे बहुत अच्छे से आपको काट लेना है, नहीं तो बाजार में भी कच्चे आम को काट कर देते हैं, तो आप काट कर ले आएँ। ये काफ़ी बड़ा लग रहा था तो इसे हमने 2 हिस्से में कर लिया। अगर आम छोटा साइज़ का हो तो बीच से आपको नहीं काटना है। तो इस तरीके से सभी गुठलियों को हम अलग कर देंगे। अलग करने के बाद इसके 4 हिस्से कर लेंगे। सभी को हमने काट लिया है। काटने के बाद 1 से 2 बार हमने इसे धुल दिया है और इसका सारा पानी निकाल लेना है। यहाँ पर हमने एक और पैन ले लिया है, इसमें 1 बड़ा चम्मच हमने देसी घी ऐड किया है। अब डाल देंगे सारा आम। डालने के बाद इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। इसके ऊपर जब गोल्डन कलर दिखने लगे तो आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। ये देखिए इसके ऊपर कलर आ चुका है, तो इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इस तरीके से हल्का सा जब कलर आने लगे तो आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो हमने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर दिया है, ये तैयार हो चुका है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर एक और पैन हमने लिया है, इसमें 1 छोटी चम्मच देसी घी ऐड किया है। अब इसमें 4 बड़ा चम्मच गेहूँ का आटा ऐड करेंगे। लो फ्लेम पर इसे हम भून लेंगे। जब आटा से बहुत अच्छी खुशबू आने लगे और इसका कलर चेंज हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। जैसे कलर चेंज हो तो आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है और उसके बाद इसे ठंडा कर लेना है। इसका आगे हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एक और हमने बर्तन ले लिया है, इसमें 2 कप चीनी ऐड किया है और 2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि हम जो आम इस्तेमाल करेंगे तो आम के अंदर भी मॉइस्चर होता है, वो भी अपना पानी छोड़ता है। चीनी और पानी को एक बार हमने चला लिया है। अब फ्राई किए हुए आम को इसमें डाल देंगे। डालने के बाद चीनी मेल्ट होने तक यानी चीनी घुलने तक इसे हम चलाते रहेंगे। देखिए तो चीनी अच्छे से घुल चुकी है, तो अब हम इसे ढक देंगे। ढकने के बाद लो फ्लेम पर 45 मिनट के लिए पकने दिया है, उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दिया है। ये जितना ज़्यादा देर तक पकता है उतना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसकी सिरप अच्छे से पक चुकी है और आम भी बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। और इसकी जो चाशनी है उसकी कंसिस्टेंसी बस इस तरीके का होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि हम आगे भी इसे पकाने वाले हैं। 2 पिंच फूड कलर ऐड किया है, रेड ऑरेंज कलर है ये, और उसके बाद हमने इसे चला लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे वो आटा जो हमने भून लिया था। आटा को एक कटोरी में उंडेल लिया था और उसमें पानी डालकर छोड़ दिया था। उसके बाद हमने इसे फेंट लिया। फेंटने के बाद इसका टेक्सचर इस तरीके का हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसे अच्छे से चला लेंगे। आप चाहें तो चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि गुड़ाम ज़्यादातर लोग गुड़ में ही बनाते हैं, लेकिन हमने चीनी का इस्तेमाल किया है। तो देखिए इस तरीके का टेक्सचर है। मुझे पतला लग रहा था तो मैंने हाई फ्लेम पर इसे फिर से पका लिया है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर गाढ़ा हो गया है। ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करना है। इस पॉइंट पर फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो चलिए अब इसमें तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच हमने देसी घी लिया है, इसमें डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 हरी इलायची और 2 लौंग। डालने के बाद इसका कलर जैसे चेंज हो, गोल्डन कलर आ जाए, तो फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसे हम गुड़ाम में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसे हम गुड़ के बगैर बनाए हैं,
लेकिन ये फिर भी गुड़ में बना हुआ गुड़ाम लग रहा है और इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि ये थोड़ा और गाढ़ा हो गया है। ये पूरे तरीके से अभी ठंडा नहीं हुआ है, इसी वजह से अभी आपको पतला लग रहा है, नहीं तो ये बहुत अच्छा दिखने में लगता है और इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा ऑसम लगता है। तो ये टेस्टी और मजेदार गुड़ाम आप लोग जरूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कैसा लगा। हाँ, एक बात और, जो आम आप ले रहे हैं अगर वो ज्यादा खट्टा है तो आप गुड़ या चीनी दोनों आम के बराबर लीजिए। आधा किलो आम है तो आधा किलो चीनी या गुड़ का इस्तेमाल करना है। जो हमने आम का इस्तेमाल किया है वो ज्यादा खट्टा नहीं था, इसीलिए हमने चीनी का इस्तेमाल कम किया है। कच्चे आम का गुड़ाम बनकर रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाजत, अल्लाह हाफिज।